Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चोटी कटने की घटनाओं ने पूर्वांचल के गांव में भी दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में भी इस तरह की घटना सामने आई है। रानीपुर के रहने वाले अभय पांडे की पत्नी रेणु पांडे की 4 बार चोटी कटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने रेणु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पिछले कुछ दिनों में थाना क्षेत्र मधुबन, मोहम्मदाबाद, चिरैयाकोट इलाकों में सबसे ज्यादा चोटी कटने की घटनाएं सामने आई हैं। यहां हैरानी की बात यह है कि चोटी कटने की अब तक जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं, उनमें महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। इस तरह की घटनाओं को लेकर लोगों में दहशत बनी हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। लड़की के साथ यही हुआ कि घर से जब बाहर निकली, बस इतना दूर गई, उतना दूर जाने के बाद इसने आवाज दिया मम्मी मम्मी, 5-6 कदम पीछे आई, फिर इसके बाद गिरी और फिर तुरंत बेहोश हो गई। सभी लोग दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ, हमने देखा, तुरंत देखा ये जो बात हमने पहले से सुनी थी, इसीलिए हमने देखा इसका बाल तो बाल कटा हुआ। चोटी कटने की कुछ खबरें हैं पेपर्स में आई हैं, कल 100 नंबर पर भी 1-2 जगह से खबर दी गई थी, तो पुलिस हमारी गई थी वहाँ पर और पुलिस को सतर्क किया गया है कि सतर्क दृष्टि रखे और अफवाहों से जनता को सतर्क रहने के लिए बताए। कहीं कहीं ये भी बताया जा रहा है कि कोई कीड़ा है, अभी सही से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।